ज्यादा नशे हो गए क्या भाई? हाय गाइस, वेलकम बैक टू क्या है सीम्स लाइव ब्लॉग चैनल क्या है सीम्स लाइव चैनल टू सब्सक्राइब सर। तो अपना एक्सपेरिमेंट पूरा हो गया भाई, सोडियम चुरा लिया वहां से, तो हमने क्या किया, इतना बड़ा सोडियम का टुकड़ा। हम होटल को छोड़ के बाहर बना रहे अपने दोस्त की मम्मी की वेडिंग एनिवर्सरी में खाना। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द अनदर व्लॉग। अभी मैं जा रहा हूँ मार्केट मम्मी के साथ। दोस्तों ये मकबैंग वाले बहुत ज्यादा हो रहे हैं भाई मार्केट में, और सबके व्यूज जा ही रहे हैं अभी फूड के। मैं भी मकबैंग स्टार्ट कर दूं क्या? ये देखिए कुछ ऐसे हैं, मकबैंग हेल्दी नहीं होता यार। अच्छा, इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। तो मैं कौन सा वो हेल्दी खाना खाता हूँ? तो बहुत ज्यादा अनहेल्दी हो जाता वो एक मकबैंग वाला ऐसे ही बोलता है। दोस्तों तो अभी आया हूँ मैं एक पार्सल लेने, मैंने मंगाया था कुछ, तो अभी तक वो आया नहीं है। धूप बहुत ज्यादा हो गई है, धूप तो बहुत ज्यादा हो गई है। ये भाई एक्टिवा पे, और बस फिर यही सीन है अपना। और आजकल होने लग गया भाई ऋषिकेश में बहुत ज्यादा ट्रैफिक, तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। उसके बाद अभी वापस भी आना है और दीपक के साथ भी जाना है मार्केट, भाई को कुछ शॉपिंग करनी है, तो फिर देखते हैं जाएंगे वापस। तो आई एम इन मार्केट और सबसे पहले जाऊंगा भाई डोसा खाने। डोसा लिया बस। अनशन चल रहा क्या भाई? भाई तो मैं आ गया हूँ अभी घर, और अभी आया हूँ मैं राहुल भैया के घर। तो राहुल भैया कौन है दिखाता हूँ आपको। ये है राहुल भैया, ये ट्यूशन टीचर थे मेरे 10th 11th 12th में। तो ये भी वीडियो बनाते हैं साइंस की, एक्सपेरिमेंट की वीडियो बनाते हैं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, सब्सक्राइब टू द चैनल। और अभी एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं राहुल भैया, तो ये कुछ डाइपर लाए हैं बच्चे का है। और ये दीपक भी हमारे साथ आज, तो आरू का डाइपर था यार, बच गए थे। तो इस डाइपर से ही कुछ एक्सपेरिमेंट होगा, दिखाऊंगा आपको बिहाइंड द सीन एक्सपेरिमेंट के, तो आज यही दिखाऊंगा ब्लॉग में। अभी जाएंगे इसके बाद दीपक के साथ। ये लगी है राहुल भैया के घर में लीची, ये है आम का पेड़ और काफी पेड़ है इधर। भाई ज्यादा नशे हो गए क्या भाई? ज्यादा नशे मत करा कर। दोस्तों तो ये रेडी है अपना डाइपर के अंदर के कुछ है, ये सोडियम पॉलीएक्रिलेट। हाँ सोडियम पॉलीएक्रिलेट, तो इससे होगा एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट से जो बनेगा वो बीए के चैनल में आप जरूर देखिए, शॉर्ट्स भी डल जाएगा, वीडियो भी डल जाएगा। बाकी अभी हो ही रहा है काम, देखो दीपक भाई रात को गए थे स्कूल केमिस्ट्री लैब का सेटअप करने के लिए, तो एक बंदे ने ना सोडियम चुरा लिया वहां से, तो हमने क्या किया, इतना बड़ा सोडियम का टुकड़ा, उसमें तो भाई इतना बड़ा सोडियम, पानी लिया बोतल पे बाहर गए और बोतल पे डाल दिया भाई, तीन चार बार फटी में बोतल। अरे उसमें ना पता क्या है, मैं सोडियम भी मंगा रहा था मैं, लेकिन पता क्या हुआ कि सोडियम का पैकेट है 500 रुपए का सीधा। ओ भाई सोडियम लम्स का पैकेट, मैंने कहा एक पीस डालना है वही। तो अभी करते हैं भाई एक्सपेरिमेंट। तो अपना एक्सपेरिमेंट पूरा हो गया भाई, और इसका यूज होने वाला आज रात को भैया के यहाँ। आइस बन चुकी है आइस, ये देखो आइस डन, एक्सपेरिमेंट सही था, अच्छा लगा। बना ये ना, ये सारे बाहर फेंक दिया जाए इसको, इसको दोस्तों। तो यार अभी हम कर रहे थे एक्सपेरिमेंट, पर हमारे साथ कोई और ही एक्सपेरिमेंट कर चुका है। ये देखो पता नहीं किसने बनाया, ये बढ़िया लग रहा है, पूरा प्लास्टिक के ग्लासों से बनाया, इसमें लाइट भी लगी है। नाइस, पता नहीं लाइट वाइट सब है उस पर, देखो है? लाइट वाइट सब है उस पर, ये बच्चों ने भी नहीं बना रखा होगा, हो सकता है। वो देखो अंदर पूरी वो है, क्या देख नहीं रहे, दिवाली वाली लाइट है वो, ऊपर बना रखा होगा, जलाओ तो उसको, एक वीडियो बनाते थी। दोस्तों स्कैम हो गया, ये तो चल ही नहीं रहा है, लेकिन बहुत जबरदस्त क्रिएटिविटी है। ये देखो अंदर से जल नहीं, ऊपर वाला तो नहीं बेगा स्कूल वालों ने। हो सकता है कि स्कूल वालों की आर्ट एंड क्राफ्ट तो नहीं चल रही थी, चार पांच बच्चों ने मिलके बनाया हुआ है। बढ़िया है, बहुत मेहनत लगी है इसमें। दोस्तों तो अभी आए ट्रेंड्स, दीपक लेगा अभी कुछ सामान,
मतलब कपड़े, देखते हैं क्या लेता है, साइज होगा नहीं होगा। दीपक हैं ये वाली भी है देख, हैं हाँ डांट तो दिया है क्या? नहीं ले रहा क्या? बिल्कुल नहीं भाई, रेगुलर थी। गाइस दीपक को नहीं मिल रही है स्ट्रेट फिट और रेगुलर फिट जीन्स, तो यहाँ पे सारी स्किनी है। चले भाई कहीं और चलते हैं। और ड्यू के साथ दोस्तों, तो ये जो चाहिए था वो तो मिला नहीं, तो अभी जा रहे हैं दूसरी जगह, देखते हैं कहाँ जाते हैं। दोस्तों तो अभी आ गए हैं दूसरी जगह, और यार सबसे पहले यहाँ लेडीज सेक्शन ही सारी स्लिम फिट है। दीपक हैं क्या करें? क्या बोल रहे ड्रॉप शोल्डर? चल बढ़िया है। हाँ ये है तो सेम ही में से। एक और है जो वो देखना, लेवेंडर कलर देख। हैं ओवर हो गई भाई तू ज्यादा। हाँ तो ओवर लेनी थी तुझे, तो ओवर ही लेगा ना, ये ज्यादा बड़ी नहीं है। मैंने तो पहले लेनी थी लग रही है ज्यादा। वी लव ऋषिकेश, क्या बोल रहा उत्तराखंड। दोस्तों तो अभी आया हम बीकानेर, छोले भटूरे खाने, छोले भटूरे। तो आज ऋषिकेश का बीकानेर ट्राई करते हैं, क्या सीन है यहाँ का। दोस्तों तो अभी आए हैं डोमिनोज, पहले गए थे बीकानेर बट उधर छोले भटूरे नहीं थे, तो हमने छोले भटूरे पे खाए नहीं, तो डोमिनोज आए ऋषिकेश का। डोमिनोज गाइस तो अभी पीने आए लेमन चिकन जी। जी भाई पी ले भाई, ठंडा कप। हाय गाइस वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग, क्या है सीम्स लाइव ब्लॉग चैनल, चैनल क्या सब सीम्स लाइव चैनल टू सब्सक्राइब सर, चैनल टू माय सब्सक्राइब, सब्सक्राइब टू माय चैनल। इसकी आज मेहंदी है, आज पकौड़िया बन रही है इसके घर में। भैया पकौड़ी दिखाओ दोस्तों, पकौड़ी का दम हो गया। सॉरी ये तो वही वाली बात होगी, घोड़ा कहाँ चल रहा है, बल घोड़ा कहाँ है, घास खाते खाते भाग गया बल। बल ये क्या है बल, घास खाते हुए घोड़े की तस्वीर, घास का है घोड़ा खा गया, घोड़ा का है अब घास खाता काली है, तो अब क्या करेगा यहाँ। गाइस इज रवि चौहान, ये हम सभी बचपन के फ्रेंड है, ये हमारा बचपन का फ्रेंड है, और हम स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं। डिंकी, ऐसे हम डिंकी बोलते हैं, तो पीजी से आए साथ है, यही कच्चे भागते थे गाइस। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। हम होटल को छोड़ के बाहर बना रहे हैं अपने दोस्त की मम्मी की वेडिंग एनिवर्सरी में खाना। अब आप सोच रहे होंगे मैंने इतना लंबा सा क्यों बोला, क्योंकि मुंह में ऐसे निकला यार। गाइस पार्टी चल रही है आज, पार्टी, भाई की शादी हुई है। नहीं नहीं आप देख सकते हो जो सारे आउटफिट है, ये हमने गिफ्ट किया था शादी में। गिफ्ट लिख रहे हैं, ये नमक है गाइस, मैं सबको ही बताऊंगा यार। ये मेरी कैटरिंग चल रही है यहाँ पे, नमस्कार, ये मेरे वर्कर हैं। ये जो भांडे धोने वाले की पीछे पीछे भागते रहते हैं गाइस, हम तो ठहरे एचएम दो, मैंने दो जनाने रख रखी है, अरे उनके पीछे पीछे बर्तन धो रहे हैं शादियों में, देख बहुत है कि पेमेंट लेने वाले ऑफिस में आना वाला, वो ये है क्योंकि इन्होंने एचएम तो करना नहीं है, और ये बोल रहे हैं एचएम के बेनिफिट नहीं है। कहां से होंगे एचएम के बेनिफिट जब इन्होंने पीछे केटरिंग में काम करना है? अबे ढंग के होटल में काम करेंगे तब होगा ना बेनिफिट। अब इनसे पूछ लीजिए कि ग्रेवी और प्यूरी में क्या डिफरेंस है, बता ही नहीं पाएंगे दोस्तों। दोस्तों तो मैं आ गया था घर और सब खा लिया बिल्कुल छोले बोले, और फिर अभी कल जाना है हॉस्पिटल, तो मिलता हूँ आपको अगले ब्लॉग में, कल जल्दी उठना है। ओके बाय।